दोस्तों, UDCRM में आपका स्वागत है। अभी हम बात करेंगे ओल्टेन और गेनेवा के बीच में खेले जाने वाला जो सेकंड मैच होगा आज के दिन का, उस मैच के बारे में। तो दोस्तों, ये मैच खेला जाएगा आपके ओल्टेन और गेनेवा के बीच में, शुरू होगा 2:15 को। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये मैच रहेगा, दोनों ही टीमों के पास काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना, स्किप मत करना। अगर आप स्किप करोगे तो आप कभी जीत नहीं पाओगे फाइनल टीम। अगर आप जाके सिर्फ टीम देख लोगे ना तो कभी जीत नहीं पाओगे। अगर आपको क्लीन स्वीप करना है, आपको पूरा वीडियो ज़रूर देखना है, ये चीज़ याद रखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ये वाला जो आइकन है, सब्सक्राइब का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है और नोटिफिकेशन को आपको ऑल कर देना है और वीडियो को एक लाइक कर देना है। तो सबसे पहले तो आप ये कर लीजिए। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, आपको पहला जो लिंक मिलेगा ना दोस्तों, इस वाले लिंक को जो मैं मार्क कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से, इस वाले लिंक पे टैप करना है और हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि है @UDCRA, एक सेकंड, हाँ, तो ये दोस्तों, ये है हमारा टेलीग्राम का पेज। आपको इस वाले लिंक पर क्लिक करना है, इस वाले, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ जाना है डायरेक्टली और आके इस पर ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर जो ब्रॉडकास्ट का बटन आप दिख रहे हैं, और नीचे जो ब्रॉडकास्ट लिखा हुआ आ रहा है, ठीक इसी जगह पर आपको ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, है ना। तो आपको ज्वाइन हो जाना है हमारे टेलीग्राम चैनल से, क्योंकि टॉस के बाद जो फाइनल टीम आएगी, फाइनल अपडेट्स आएंगी ना, वो आएंगी सिर्फ और सिर्फ हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अगर प्लेइंग 11 में कुछ भी चेंजेस हुआ, लाइनअप्स में कुछ भी चेंजेस हुआ और फाइनल टीम में हमें कुछ भी अपडेट करना पड़ा, तो आपको टेलीग्राम पे सब कुछ बताया जाएगा सबसे पहले। तो टेलीग्राम से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो बात करते हैं आगे मैच की। तो चलिए बात करते हैं अभी इस मैच की। अगर मैच की बात करें तो पहले मैच पे चलते हैं, क्रिएट टीम पे जाएंगे और पहले फिल्टर लगाएंगे हम ओल्टेन की टीम के ऊपर। तो एक बार ओल्टेन की टीम का बैटिंग ऑर्डर एक बार चेक कर लेते हैं। मुझे पता है, आपको एक बार जानकारी फिर से रिमाइंड कर दे, ओल्टेन की बैटिंग ऑर्डर तो कहाँ है। ओल्टेन की मैच तो बहुत पहले मैच था क्या इनका? इतना पहले तो होना नहीं चाहिए था, इनका रिसेंट कोई मैच है नहीं क्या? चलिए देखते हैं, छोड़िए। तो ओल्टेन का मैच, एक सेकंड, हाँ सॉरी दोस्तों, ये रहा ओल्टेन का मैच। हाँ, तो अगर इनकी बात करें तो आपके स्टैंकर्स आए ओपन कर रहे हैं, स्टैंकर्स आए ओपन कर रहे हैं येसुधरन के साथ, फिर रोशन, फिर मुरलीधरन, फिर स्टैंकर्स आए डी जॉनसन, उसके बाद पृथ्वीराज, नेम स्टैंकर्स आए एस आरिदू जो टीम के विकेट कीपिंग करेंगे, फिर स्टाकेश्वर, फिर जनुशरण मकाजना। दोस्तों कुछ इस तरह से इनकी बैटिंग लाइनअप है। बॉलिंग की बात करें, बॉलिंग में दो दो ओवर कौन कर रहे हैं? दो ओवर कर रहे हैं आपके स्टंकर जाए, आर स्टंकर जाए, फिर शथेश्वर, फिर डी जॉनसन, फिर आपके एक ओवर कह रहा है मुथाया मुरलीधरन गणेश्वरन ने जो एक ओवर में दो विकेट निकाले दोस्तों। तो हमारे टीम में कौन होंगे? हम स्टंकर जाए के साथ जाएंगे, मुरलीधरन के साथ जाएंगे, आर स्टंकर जाए के साथ जाएंगे, फिर ये दोनों में से किसी एक के साथ जाएंगे। येसुधरन बॉलिंग कर रहे या करुणामूर्ति, एक सेकेंड देख लेते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले जिनको सिलेक्ट किया ना उनको पहले ले लेते हैं। इनको ले लेंगे स्टैंकर दे, आर स्टैंकर दे, और यहाँ से डी जॉनसन तो हमारे नए पक्का होंगे। करुणामूर्ति क्या कर रहे हैं देखते हैं। करुणामूर्ति बॉलिंग नहीं कर रहे दोस्तों, पर बैटिंग में तो 4 बॉल में 18 रन, मतलब तगड़ी हिटिंग कर रहे दोस्तों, ये हमारे टीम में पक्का हो जाएंगे। वाई येसुधरन की बात करें, पिछला मैच इनका कुछ खास नहीं गया था, दो ही बॉल खेला, सिर्फ 2 रन बना पाए। तो इनका पिछला मैच एक बार इनसे देख लेते हैं। ओल्टेन की टीम, ये रही ओल्टेन सीसी की पिछला मैच, इसमें येसुधरन बहुत तगड़ी बैटिंग कर रहे हैं दोस्तों। तो एक तो येसुधरन हमारे टीम में हो जाएंगे। तो एक काम करते, इनका बॉलिंग कर रहे क्या येसुधरन? नहीं कर रहे दोस्तों, नहीं कर रहे। तो जो भी हो, तो ये 5 प्लेयर्स इंपॉर्टेंट बन गए, 6 प्लेयर्स इंपॉर्टेंट बन गए इस टीम से।
अगर आपको किसी को ड्रॉप करना है ना तो आप शायद इनको ड्रॉप कर सकते हो, पर क्योंकि ये एक मैच में बॉलिंग कर रहे हैं एक मैच में नहीं कर रहे, या फिर इनको ड्रॉप कर देना, इन दोनों में से किसी एक को ड्रॉप कर देना, और अगर चाहो तो इन तीनों, पर ये तीनों आप मेरे टीम में फिक्स रहेंगे। ये तीनों में किसी एक को शायद मैं ड्रॉप कर दूँ, किसको ड्रॉप करूँ आगे वीडियो में देखना आप, किसको ड्रॉप करूँ किसको मैं लूँगा। तो बात करते हैं अभी दूसरी टीम की, तो जो वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी दोस्तों, छोटी वीडियो होगी, पूरा वीडियो ज़रूर देखना, स्किप मत करना वीडियो। अगर बात करें विंटर सीसी की, विंटर सीसी की तो मैच है ना, और नहीं गेनेवा का मैच है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, कहाँ है गेनेवा का पिछला मैच, ये रहा गेनेवा का पिछला मैच, मुझे तो पता है बैटिंग ऑर्डर, आप फिर भी एक बार देख लीजिए। इद्रास ने बैटिंग की 54 बनाया, 29 बॉल में 60 बनाया, अहमद खान ने, अहमद जाय ने, फिर आर परा ने 6 बॉल में 10 रन, फिर आर मोहम्मद ने 8 बॉल में 21 रन। तो हमारे टीम में जो होंगे हम फिक्स प्लेयर्स के साथ जाएंगे, इद्रास के साथ जाएंगे, अहमद, यहाँ से जाबर खेल जो बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहे, और एक कट्टक और जेड अहमदुल्ला, कुछ यही मेरे प्लेयर्स रहेंगे। मैं शायद करुणा मूर्ति को ड्रॉप कर दूँ, या फिर इनको ड्रॉप करके, या फिर इनको ड्रॉप करके आर परा को मैं टीम में रख लूँगा, इनको ड्रॉप करके मैं शायद किसी एक और दूसरे बॉलर को टीम में रख लूँगा, जो भी करूँगा मैं टेलीग्राम पर आपको फाइनल अपडेट दे दूँगा। टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाना, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। अभी अगर सी और बी सी की बात करें, सी और बी सी मेरे रहेंगे फिक्स, मैं सी और बी सी में ज़्यादा चेंजेस करूँगा नहीं, मैं शायद इनको कैप्टन बनाऊँगा और इनको वाइस कैप्टन बनाऊँगा, मैं इनमें चेंज करूँगा नहीं, दोनों काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं मेरे लिए, इंपॉर्टेंट बन जाएंगे दोनों। मैं शायद ए महमूद को भी कैप्टन बना दूँ लाइनअप से अनाउंस होने के बाद, जो मैं करूँगा आपको टेलीग्राम पर मैं बता दूँगा। बाकी वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।